हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो पे। तो गाइस, अभी हम चलते हैं सुल्तानपुर हम चलते हैं बिजेठवा धाम मंदिर, वहाँ पे हमें दर्शन करना है बजरंगबली का। तो अभी हम चलते हैं और हमारे साथ है ये कन्हैया। तो अभी हम दोनों लोग निकलते हैं बिजेठवा धाम मंदिर के लिए और वहाँ पर चलते दर्शन करते हैं। अभी कोरोना काल भी चल रहा है, लॉकडाउन का भी माहौल है, तो चलते हैं देखते हैं। तो अभी चलते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। आप लोग वीडियो पे पहली बार हैं तो एक लाइक जरूर कर दे, लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि नए नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो ये हमारी बाइक रेडी हो चुकी है और बैठ चुके हैं हम बाइक पर और ये है कन्हैया, ये ड्राइव करेगा। मास्क उसको लगा लिया है। पेट्रोल टंकी पे, यहाँ पे भराएंगे बाइक में पेट्रोल।
अभी हम पहुंच चुके हैं बिजेठवा धाम मंदिर। आज है मंगलवार, आज के दिन बहुत भीड़ रहती है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है इसकी वजह से बहुत ही कम भीड़ है, बहुत ही कम भीड़ है। और देखिए कितनी गलियां सुनसान है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दिया है, तो अभी चलते हैं। ये है मकरी कुंड, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है मकरी कुंड। और आपको वहाँ उस जगह पे वो है बजरंगबली बाबा का मंदिर, और यही है बिजेठवा धाम। आपको ये जो मकरी कुंड दिख रहा होगा, इसी में बजरंगबली जब जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो इसी मकरी कुंड में उन्होंने स्नान किया था, और इसी का नाम है मकरी कुंड। आज तो खैर मंगलवार है, मंगलवार के दिन यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, लेकिन कोविड की वजह से बिल्कुल ही कम भीड़ है कि सुनने में आया है। दर्शन भी बाहर से ही हो रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो फाइनली हम लोगों ने घर से ही स्नान करके आए थे, क्योंकि हम लोगों की भी तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, हाथ पांव धुल लेंगे और थोड़ा जल का छिड़काव कर लेंगे, फिर चलते हैं दर्शन करने। वो देखिए, वो है कन्हैया, विनय, उसका असली नाम है विनय, लेकिन सब लोग उसे गांव में कन्हैया कन्हैया करके बुलाते रहते हैं। तो अभी चलते हैं हम दोनों लोग, थोड़ा जल का छिड़काव कर लेंगे, हाथ पांव धुल लेंगे। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent.
and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a man, a septic. ये है मंदिर का, इसी रास्ते से हम लोग अंदर जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे, लेकिन कोविड की वजह से ये फाटक बंद है अभी। आपको ये पीछे दिख रहा होगा, इसी फाटक से हम लोग अंदर जाते थे दर्शन करने, लेकिन कोविड की वजह से ये फाटक बंद है अभी इस टाइम पे। अंदर से तो हमने दर्शन नहीं कर पाए, बाहर से ही हमने दर्शन किया और दर्शन हो चुका है, तो अभी चलते हैं। अभी चलते हैं, दुर्गा माता का भी दर्शन करेंगे, तो आपको दिखाते हैं दुर्गा माता का मंदिर कहाँ है। ये रहा मंदिर।
दुर्गा माता का भी। तो अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा जलपान करेंगे और यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, फिर उसके बाद घर को निकलेंगे। तो अभी ये है हमारे लोग के पास रबड़ी, गीली रबड़ी है जिसको गीली बर्फी भी बोलते हैं। तो अभी हम इसका थोड़ा खा के पानी पियेंगे, फिर जाके घूमेंगे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dream. फोटो शूट करवाया है और ये रहा फोटो, आपको अभी हम बैक कैमरे से दिखाते हैं। आप लोग हमें आप ये देखिए, ये हमने दो फोटो खिंचवाया हुआ है और आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा हम लोगों की फोटो कैसी है। दो कन्हैया भाई आ चुके हैं सर, देखिए दो कन्हैया। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग एंजॉय करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे। अभी चलते हैं, देखते हैं, कुछ घर के लिए भी सामान लेंगे और देखते हैं जो कुछ भी पसंद आएगा वही लेंगे। खैर यहाँ पे तो काफ़ी महंगा भी देते हैं। भैया ये कितने के दिए? ये अदरक कूटने वाली 150 के हैं। अच्छा, इसको छोटा ओखली बोलते हैं ना, 150 की है ये। तो फाइनली ले लेते हैं एक सिस्टर के लिए ये छोटी सी ओखली अदरक वगैरह खुलने के लिए, क्योंकि चाय वाय बनाने के लिए दिक्कत होती है। तो ये रही छोटी ओखली। ब्रेड ले लिया है और ब्रेड का नाश्ता कर रहे हैं, देख सकते हैं हमारे साथ सारे लोग हैं। तो अभी हम लोग ब्रेड खाते हैं। अभी ये हम लोगों का प्रसाद वगैरह सब कुछ पैक हो गया है, तो अब हम लोगों ने घूम भी लिया है, टहल भी लिया है। तो अभी हम लोगों ने बिल्कुल खूब घूम टहल लिए हैं, बहुत ढेर सारा इंजॉय भी कर लिया है। और अब क्योंकि ज़्यादा घूमने लायक है नहीं, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो अभी हम लोग चलते हैं घर को। जो आज का दिन है, आज है मंगलवार, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से बिल्कुल आपने देखा कि सुनसान है एकदम, बहुत कम ही भीड़ है। और शनिवार रविवार को तो बिल्कुल लॉकडाउन रहता है, उस दिन तो कोई दर्शन ही नहीं कर सकता। तो अभी हम लोगों ने भी दर्शन वर्शन कर लिए, तो अभी निकलते हैं घर को। और आप लोगों ने देखा कि हमारे बिजेटवा धाम कैसा है, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा बिजेटवा धाम कैसा लगा। तो अभी हम लोग भी निकलते हैं घर को। तो ये है पांडे मिष्ठान भंडार, क्योंकि हम जितनी बार आते हैं यहीं पे हमेशा आते हैं, क्योंकि हमें अच्छे ढंग से ये मिठाई वगैरह भी देते हैं और नाश्ता वगैरह भी कराते हैं, और काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी दुकान। और आप लोग भी आइए यहाँ पांडे मिष्ठान भंडार पे। आप लोगों को हमारी बिजेटवा धाम नगरी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। तो अभी हमने बहुत ढेर सारा इन्जॉय कर लिया, बहुत ढेर सारा घूम लिया, तो अभी चलते हैं हम घर को। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पर अगर पहली बार है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।